नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भावनगर जिले में पालिताणा से सिरोही तक गुजरात गौरव यात्रा कर जनता से सीधा संवाद किया। भावनगर में यात्रा को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा में कहा कि गुजरात की जनता ने अपने वोट की ताकत से मोदी को दिल्ली तक पहुंचाया है, जिससे आज देश नए सुधारों के साथ बदल भी रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। साबरकांठा जिले में एक रिक्शा चालक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। दरअसल इस शख्स को महीने भर पहले एक युवती ने घर पर बुलाया, जहां अश्लील वीडियो बनाने और बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रिक्शा चालक से 80,000 रुपए हड़प लिए। मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के भावनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में एक बच्चे सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अधिलाई के पास रात करीब 10 बजे ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मरने वाला परिवार अहमदाबाद के विराटनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। सभी लोग पालिताना दर्शन करके अहमदाबाद वापस लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। 2 साल पहले अहमदाबाद नगर निगम की सीमा में शामिल नानचिलोड़ा गांव के लोगों ने गुजरात विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है और गांव में बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल पहले इनका विलय नगर निगम सीमा में कर दिया गया, इसके बाद आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी। गांव के सरकारी स्कूल की हालत खस्ता है। पढ़ाई दवाई सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी से ग्रामीण नाराज हैं और अब ग्रामीणों ने एक साथ चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। खबर राजकोट से है। राजकोट के गोंडल रोड पर टीवीएस शोरूम में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि शोरूम में मौजूद कारें और बाइक जलकर खाक हो गई। आग के विकराल रूप लेने से पहले ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा कि आग गोंडल रोड पर बने शोरूम में तड़के अचानक लगी। जैसे ही शोरूम से आग का धुआं निकला, आसपास के लोग जमा हो गए और दमकल विभाग को इस पूरी घटना की जानकारी दी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा उनाई से शुरू होकर गोधरा पहुंची। गोधरा के सर्किट हाउस में बाइक रैली के साथ गोधरा में मूनलाइट सिनेमा के पास मेहंदी बंगले में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह गौरव यात्रा गुजरात के गौरव की यात्रा है। यही संदेश है कि अगर गुजरात का गौरव हमेशा कायम रखना है तो इसे याद रखना चाहिए। यह देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को विश्वास दिलाया है। उन्होंने बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा भी किया। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने उदयपुर में गुजरात पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल को फिल्मी अंदाज में 1,10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान के एसीबी ने जब गुजरात के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया तो गुजरात पुलिस को लेकर सवाल उठे, इसीलिए एसीबी ने हेड कांस्टेबल को पकड़ने में काफी मशक्कत भी की। एक पुलिसकर्मी इस दौरान भाग निकला, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। आरोप है कि शिकायतकर्ता का नाम हटाने के बदले 2,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन पैसे नहीं देने पर शिकायतकर्ता को लगातार परेशान किया जा रहा था। मामला दर्ज कर फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालोल शहर में पिछले 3 साल से अंडरग्राउंड सीवरेज योजना का काम चल रहा है। इस अभियान के लिए पूरे हालोल शहर की सड़कों और सोसाइटियों की सड़कों को खोदे जाने का विरोध शहर के लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा भूमिगत सीवरेज योजना के काम पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इस ऑपरेशन के कारण पूरे शहर में उड़ती धूल से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अरावली जिले के श्यामलाजी के पास गांव तक सड़क की वर्षों पुरानी मांग अब तक
पूरी नहीं की गई है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। गांव के लोगों ने सड़क, पानी समेत कई अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई। बता दें आपको, इस गांव की आबादी करीब 1000 से 1300 के बीच बताई जा रही है, लेकिन आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गुजरात की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।